एक्सीडेंटली शूट हो गया. अगली हियरिंग में कर लेंगे. अगली हियरिंग 4 दिन बाद है. 4 दिन तक जूरी को वो याद रहेगा जो आज कावस नानावटी ने खड़े होकर बोला है. So homie, that's your next headline. I don't marry every woman I sleep with. अगर ऐसी फिल्में हिट होती है ना तो बॉस सिल्विया, उसका नाम तो 2-2 रुपए के लिए ब्लिट्स में उछाला जा रहा है. I'm doing this for my kids. This is too much of news. Put an ad next to Kawas. Sure, sir. This is a nice one. Put it right next to Kawas so that it's. I guess it's time for tea. I'll have a drink. Excuse me, sir. Excuse me, ma'am. I know you're upset, Sylvia, but you got to trust me. I'm doing all of this for Kawas, you, and your family. But you're clearly failing in it. All your sensational headlines and pictorial descriptions and juicy stories. They're all just helping you sell more copies of filth. It's a filthy world, Sylvia. And whether you realize or not, ultimately these headlines are going to save you. I will give you your next headline. मैडम, हमने सुना आप शोरूम बेच रही हैं. आप हमारी फिक्र मत कीजिए मैडम. आप सब मेरी फैमिली जैसे हैं. काज मेरे भाई का पैशन था और मेरे भाई के लिए केस जीतना अब मेरा पैशन. कोई मेरे भाई को कैसनोवा कह रहा है तो कोई उसे लवर, कोई उसे लूज कैरेक्टर. इसीलिए मेरे लिए केस जीतना बहुत जरूरी और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए. जो ये नए लोग हमारा बिजनेस टेक ओवर करेंगे उनसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दिया है आप सबकी सैलरीज 5-5 रुपए से बढ़ा दी जाएगी. आप वहां कब से खड़े थे? जब से आपकी स्पीच चल रही है तब से. वेरी पैशनेट आई मस्ट से. आप फिक्र मत कीजिए, आपकी फीस आपको टाइम पर मिल जाएगी. मैं क्या फिक्र कर रहा हूँ? और नाउ दैट यू सेड इट आई एम हैप्पी. पैसा मेरा पैशन है. और आपकी दो बीवियां? जरूरत. बहुत समय बाद आप मुस्कुराई हैं ऐसा लगता है. ऐसी कोई तो और बात होगी जिससे आप और मुस्कुरा सकें. कोई बात नहीं, कोई था मेरा भाई. उसकी हर बात पे मैं मुस्कुराती थी. हमारा एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था. चलिए फिर मेरे पैशन के लिए आपका पैशन पूरा करते हैं, ये केस जीतते हैं. मिस्टर जेठमलानी, मिस्टर जेठमलानी, क्या ये सच है कि प्रोसिक्यूशन की सारी स्ट्रेटेजी आप ही तय करते हैं और फिर उस कल का आइडिया भी आप ही का था? सिर्फ इस केस की नहीं, जिस केस में मैं इन्वॉल्व होता हूँ उसकी सारी स्ट्रेटेजी मैं ही तय करता हूँ. तो फिर ये कहना बिल्कुल सही होगा सर कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर चंदू त्रिवेदी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू. Let's just say he's lucky to have me on a watching brief. Thank you. Chandu ji. Good morning, Rambao. Morning. इतिहास के पानों में आने की तैयारी कर ली आपने? Hearing की तैयारी कर ली आपने? आपने बोला वो सारा होमवर्क कर लिया है. ऐसे ही कुछ पूछना चाहता हूँ, पूछ. बुरा मत मानना. आप सिंधी नहीं होते तो कावस नानावटी का केस खाल खंडेलवा की जगह आप लड़ रहे होते. चल. सर, प्रेम आहूजा को 3 गोली लगी. सबसे पहली उनकी चेस्ट में राइट कॉलर बोन के ठीक नीचे, दूसरी राइट हैंड की स्मॉल और रिंग फिंगर के बीच में से निकलती हुई उनके ईयर पे, एंड द थर्ड वन पास थ्रू द स्कल जिसके कारण उनको स्कल और चेस्ट का हेमरेज हुआ और उनकी मौत हुई. कमांडर जी ने कहा कि उनके बीच हाथापाई हुई और गोली लगी. मैं खुलासा करने के लिए रामभाव को बुला सकता हूँ. रामभाव आइएगा.
प्रेम आहूजा आप हैं, मैं कमांडर कावस नानावटी, और हमारे बीच हाथापाई हाथापाई कीजिए, ये लगाया, ये ऐसा हुआ और ये ऐसा 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 हुआ। अब डॉक्टर झाला जी, हाँ जी, जरा बताइए कि ऐसे में ये गोलियां चल सकती है और वो इंजरीज कर सकती है? सर नहीं, इम्पॉसिबल है। क्यों सर? क्योंकि चेस्ट के वुंड को जब हमने एग्जामिन किया तो पाया कि दैट देयर इज नो कार्बोनेशन टैटूइंग दैट इज ब्लैकिंग अराउंड द वुंड, तो इसका मतलब जो गोली है वो कम से कम 18 इंच की दूरी से चली। माय लॉर्ड। सेकेंडली चंदू सर एक मिनट, ये जो स्कल की जो इंजरी थी उसको जब हमने एग्जामिन किया है तो दैट इंजरी इज एट अ स्लैंटिंग। सर इसका मतलब ये है कि विक्टिम्स बैक वाज फेसिंग द असैलेंट, गोली जो है वो पीछे से चली। इसका मतलब ये है माय लॉर्ड, कमांडर कावस नानावटी झूठ बोल रहे हैं। अन्नाला वाला जी, योर विटनेस। योर ऑनर, ये वो तीन बुलेट्स हैं जिससे प्रेम आहूजा की एक्सीडेंटली डेथ हुई। ये पहली बुलेट जो उनके चेस्ट में लगी और वहीं फंस गई। ये बाकी दो बुलेट्स हैं जो उनके बेडरूम में पड़ी मिली। नाउ हियर इज द डिफरेंस। Now, if we look carefully, both these bullets are flattened and bent, which is not possible unless they hit a hard surface. So, इससे ये prove होता है कि both the bullets hard surface से rebound होकर प्रेम आहूजा को लगी, which means what? It was an accident out of a scuffle. Sir, bullet rebound होकर लग जरूर सकती है, लेकिन उसकी intensity इतनी कम होगी कि उससे कोई fatal hemorrhage नहीं हो सकता। डॉक्टर झाला, आपका बुलेट इंजरीज में कितना एक्सपीरियंस है? सर आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन बुलेट इंजरीज, बट एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट मैंने प्रेम आहूजा की पूरी बॉडी को थोरली एग्जामिन किया। बट माय लॉर्ड, वी आर नॉट डिस्कसिंग जस्ट दिस, वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ बैलिस्टिक्स, एंड फॉर दैट मैं प्लीज कॉल अपॉन डॉक्टर वाई एम बल्लीगा, हु इज एक्सपर्ट एट ट्रीटिंग बुलेट इंजरीज। प्रोसीड। थैंक यू। मिलॉर्ड, मैं डॉक्टर झाला के असेसमेंट से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। गोली अगर रिबाउंड होके लगे तो भी फैटल हेमरेज हो सकता है। मतलब गोली दीवार को लगी और फिर घूमी और यू ऐसे घूमते हुए यू टर्न मार के खोपड़ी में घुसी। अब गोली है कि एयरप्लेन है? राइट टर्न, यू टर्न मार के यू ऐसे घुस गई। मिलॉर्ड, प्रोसिक्यूशन इज मेकिंग फन ऑफ माई विटनेस। त्रिवेदी जी, फैक्ट्स पर बात कीजिए प्लीज। सॉरी माय लॉर्ड, मिस्टर बलिगा, अभी आपने जो ओपिनियन दिया उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई साइंटिफिक फैक्ट है? आई डोंट हैव एनी साइंटिफिक फैक्ट टू बैक माय स्टेटमेंट, लेकिन ऐसा होने की संभावना है। संभावना और भावनाओं के बल पर जजमेंट तो नहीं दे सकते ना माय लॉर्ड। संभावना तो ये भी है कि ये झूठ बोल रहे। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, प्रोसिक्यूशन हैज नो राइट टू इंसल्ट एन एक्सपर्ट विटनेस। सस्टेन। माय लॉर्ड, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर एक्सपर्ट विटनेस है तो एक्सपर्ट ओपिनियन भी तो देना चाहिए ना, यहाँ खड़े रहकर तुर्रे मारे जा रहे। मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे ही बोल रहा हूँ। अब मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि ये पैसे लेकर यहाँ पर गए। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, चंदू त्रिवेदी इज क्रॉसिंग एवरी लिमिट एंड यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग। मिस्टर त्रिवेदी, दिस इज द फाइनल वार्निंग, समझ लो। सर, द कोर्ट विल रिज्यूम टुमारो। You're architect from London, don't you, this? Love to. Never danced with an Indian man before. Trust me, you won't regret it. Is it? Dreams are always killed by reality. We will never have this house.
मिमी मैडम घेगी ये आहो ओ आप आओ आओ अंदर आओ ना हाँ ये चलेगा बैठो वो क्या है कि हमारा घर थोड़ा छोटा है ना छोटा है लेकिन घर तो है मेरा तो सिर्फ मकान है चाह हाँ चाह चाह कॉफी एक खाली ग्लास मिलेगा मिलेगा ना अगर भक्ति का है तो दो वाला आंट हो बाहर वालों के लिए खास मेहमानों के लिए थैंक यू अरे तुम्ही लोग को बाहर जा बरा दो अभ्यास करा हाँ कल तक सोफा आ जाएगा अरे आप तो मेरे को कुछ ज्यादा ही आदर दे रहे हैं रामबाबू जलेगा यू डिजर्व इट मिस्टर त्रिवेदी चीयर्स चीयर्स टू प्रेम भाव वैसे कोर्ट में खोपड़ी का आइडिया ब्रिलियंट था है ना पर काल चुप नहीं बैठेगा इन द नेक्स्ट हियरिंग ही इज गोइंग टू बी बैक विद फुल फोर्स तुम पूरी तैयारी के साथ आना वी हैव टू बी वेरी श्योर कि प्रोसिक्यूशन का अगला मूव क्या होगा वो कौन से विटनेसेस लाएंगे वी हैव टू बी वन स्टेप अहेड एंड आई एम नॉट फाइटिंग दिस केस फॉर जस्टिस आई एम फाइटिंग टू विन ऑफ कोर्स यू आर सर सिल्विया मैडम आए हैं प्लीज ब्रिंग हर इन They told me the best lawyer of India is handling my husband's case. And today I got to know that Kaul Kandalavala lost a round which was purely based on facts. How could you be so careless, Mr. Kandalavala? Why didn't you ensure that your doctor would be confident? Why didn't you ensure that your husband won't kill your lover, Mrs. Nanavati? Action! लगता है जैसे आज हर इच्छा बुरी होगी पर मजा देखो आज कोई इच्छा ही नहीं रही मौत एक ख्याल है जैसे जिंदगी ख्याल है सिर्फ मैं हूं मैं हूं मैं हूं कट इट ग्रेट शॉट सर इनक्रेडिबल सर Vidya Joshi, thank you very much. Please, aaiye, baithiye. So, sir, married woman in love, too bold? Well, human mind के लिए कुछ भी bold या taboo नहीं होता, बस उसे convince करने की देर होती है. If it can be justified, then why not? It's all good. Karnat ji, kursi लाओ भाई. Please, baithiye. कैसा लगा आपको देव साहब बस ठीक ही था विद्या दिस इज मिस्टर खन्ना मिस्टर खन्ना हमारे फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर हैं देखो डिस्ट्रीब्यूट तो हम कर देंगे लेकिन ये फिल्म चलेगी नहीं व्हाई नॉट इवेंचुअली चलेगी वो मैडम जब पहले दिन ही नहीं चलेगी तो इवेंचुअली जब खास सालों तक चलेगी हाँ फॉर्म इज ओनली टेम्पररी क्लास इज परमानेंट ओ देव साहब इस क्लास व्लास को छोड़ो उस अंग्रेजी औरत ने त्रास मचा रखी त्रास और मैं अभी चेक साइन करके देता हूं आपको वो आप ना फिल्म बनाओ नानावती केस के ऊपर आप हम उस सब के सब माला माल इस केस में क्या नहीं आखिर हैं सेक्स मर्डर ड्रामा हीरो विलेन और अंग्रेजी हीरोइन कमाल की चीजें मैं बता रहा हूँ देव साहब वो मेरी कई बात पे गौर जरूर करना नानावती केस तुम्हें क्या लगता है चलेगी नहीं सलाम बानगे साहब सलाम सलाम वही आपका एक किलो मटन ना
नहीं नहीं आज एक किलो से काम नहीं चलेगा, आज साबुत बकरा चाहिए। क्या बात है, पूरे मोहल्ले को दावत करा रहे हैं क्या साहब? अरे नहीं, खाने के लिए नहीं चाहिए, दिखाने के लिए चाहिए। प्रोसिक्यूशन के अगले गवाह है बैलिस्टिक एक्सपर्ट डॉक्टर मोहन भांडगे। डॉक्टर मोहन भांडगे अदालत में हाजिर हो। डॉक्टर भांडगे, ये दो बुलेट्स फ्लैटन और बेंड है, आपने ऐसे बुलेट्स को स्टडी किया है? जी। तो क्या कारण होता है ऐसे स्थिति में आने का? देखिए, बुलेट्स फ्लैट या बेंड सिर्फ एक ही वजह से हो सकती है, और वो तब जब बुलेट किसी हार्ड सर्फेस को स्ट्राइक करें। डिफेंस भी यही कहता है कि बुलेट किसी हार्ड सर्फेस से टकरा कर रिबाउंस बैक होकर बॉडी के अंदर चली गई। देखिए, सिर्फ रिबाउंडिंग की वजह से फ्लैट हुई हो ये जरूरी नहीं है। हार्ड बोन को लगकर भी फ्लैट हो सकती है। आप इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहे हैं? एक्चुअली मैंने मटन लेग्स पर अलग अलग रेंज से शूट करके ये लाइव एक्सपेरिमेंट किया है, ये देखिए। और इससे भी यही साबित होता है कि बुलेट अगर हार्ड बोन को लगती है तो फ्लैटन हो सकती है। थैंक यू, रियली थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल सर। मिस्टर खंडाला वाला। डॉक्टर भनगे जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली एडमायर द पेन्स यू हैव टेकन at proving your point by shooting at mutton legs. Interesting. Human bones ko chune se bullet flatten ho sakti hai. Ji. Is table ko lagkar bullet flatten ho sakti hai. Your Honor, aapki kursi ko lagkar bullet flatten ho sakti hai. Ek diwar se lagkar bullet flatten ho sakti hai. Am I right? Yes. Dr. Bhanage, put a hand on your heart. And with all the experience behind you, is it possible for a bullet in a scuffle to hit the wall and on the rebound enter the human body? I'm not asking for a definite answer. All I'm asking is it possible? Yes, aisa ho sakta hai, but... Thank you, Dr. Bhanage. Chandu ji. My Lord, ab baat karte hai us gun ki jisse murder hua hai. Dr. Bhanage, main chahta hoon ki aap... ये चलती कैसे है ये यहाँ उपस्थित लोगों को बताएं। दिस इज अ सेमी ऑटोमेटिक गन विथ 6 बुलेट चैम्बर्स, और बुलेट लोड करने के लिए हमें पहले चैम्बर्स को रिलीज करना पड़ता है। क्योंकि ये सेमी ऑटोमेटिक है, हमें हर बार फायर करने से पहले ट्रिगर पुल करना है। हर बार? और ट्रिगर पुल करने के लिए हमें कम से कम 28 पाउंड का प्रेशर देना पड़ता है। 28 पाउंड का प्रेशर? मुझे बताइए, दो लोग जब हाथापाई कर रहा है जी, तब क्या ये 28 पाउंड का प्रेशर बन जाता है? बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। माय लॉर्ड, वहां तो तीन गोलियां चली, मतलब तीन बार 28 पाउंड का प्रेशर बना। अगर चलो बन भी गया, एक बार बन गया कोइंसिडेंस, दूसरी बार भी चली कोइंसिडेंस की हाइट, और अगर तीसरी बार भी चला तो कोइंसिडेंस का हिमालय पर्वत। सॉरी सर, आई एम सॉरी। थैंक यू डॉक्टर भांडगे। थैंक यू। अरे, आपने तो कंक्लूड कर दिया त्रिवेदी जी। आई मस्ट से यू स्पोकन लाइक अ ट्रू गन एक्सपर्ट, लेकिन आपने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन आर्म्स एंड एमिनेशन एक्सपर्ट मिस्टर त्रिलोक सिंह as my next witness, Your Honor. Tilok Singh ji, अभी डॉक्टर भनगे ने हमें डिटेल में इस गन के बारे में बताया, लेकिन वो शायद एक बात बताना भूल गए, या फिर उनके हैंडलर ये बात बताना भूल गए कि ये डबल एक्शन रिवॉल्वर है। Am I right? जी। तो जरा कोर्ट को, मेंबर्स ऑफ द जूरी को बताएं कि डबल एक्शन रिवॉल्वर का मतलब क्या होता है। मतलब तो सिंपल है जी, डबल एक्शन रिवॉल्वर में सिर्फ एक बार हैमर पुल करके बार बार ट्रिगर दबाने से भी गोली चलाई जा सकती है। तो बात जो चंदू जी ने अभी कही कि तीन बार हैमर पुल हुआ है, वो गलत है, राइट? अगर गन इस मेक की है तो गलत है। अब अगर हम ट्रिगर की प्रेशर के बारे में बात करें, तो क्या हर बार 28 पाउंड का प्रेशर ही जरूरी है? जरूरी नहीं कि हर बार 28 पाउंड के दबाव में ही ट्रिगर दबे, 11 और 16 पाउंड के प्रेशर में भी ट्रिगर दब सकता है। तिलोक सिंह जी, अब आप पूरे कोर्ट को ये बताएं कि अगर दो लोगों के बीच में हाथापाई हो रही हो,
तो क्या 11 और 16 पाउंड के प्रेशर से ट्रिगर दब सकता है या नहीं? जी दब सकता है। थैंक यू वेरी मच। त्रिलोक सिंह जी, क्या आपने कभी इस गन को स्टडी किया है? इस गन को तो नहीं, लेकिन इस तरह की गन्स की मेक को डिटेल में स्टडी किया है। आप करते क्या हैं? जी मैं 20 साल से फौज में था और अब आर्मी के लिए उनके आर्म्स एंड एमिनेशंस रिपेयर करता हूँ। उससे आप गन और रिवॉल्वर के एक्सपर्ट कैसे बने? माय लॉर्ड, किसी हिंदी फिल्म राइटर की मदद से रोज एक नई कहानी बनाकर कोर्ट में आ जाते हैं। सच बात तो यह है कि कमांडर कावस नानावटी ने 3 गोलियां मारी थी, एक छाती में लगी थी, दूसरी इन 2 उंगलियों को छूती हुई कान से बाहर निकल आई थी और तीसरी जब वो मुड़े थे डर के, तभी बड़ी बेरहमी से तीसरी गोली चलाई और उनका मर्डर किया। We have a situation, sir. What is it? Sir, Captain Surya Prakash Menon ne khud ko aur apni wife ko pichle 2 din se apne quarter mein lock karke rakha hai. Kyun? I think he's interrogating his wife, sir. Where is he? Mistress. Interrogating for what? Sir, he thinks his wife is having an affair. Jesus. Does he have a gun on him? No, sir. Thank God. Break the door and get him out of there right now. I've already passed the orders for that, sir. My officers are turning into bloody maniacs. क्या करें सर? माहौल ही कुछ ऐसा हो गया। Officers have started doubting their wives. God forbid. If Kawas gets convicted, मुझे डर है कि लोग नेवी में भर्ती होना छोड़ देंगे। I understand what you say, sir. This way, please. Kawas Nanavati is the hero of this nation. He killed a man because of me. The entire nation wants him out. Now we all know to prove a hero right, you need a villain. So I'm ready to become one. Mr. Khandelwala and Mr. Karanja, do whatever it takes to save my husband. Even if you have to make me the cruelest witch of this country. Bear it all, Sylvia. Tell me, when did you first meet Prem? Oh, no one can say that. Oh, hello, Commander Kawas. Always on time. It's only 12 p.m. and you are here. Quite impressive. Hello, Sylvia. Hello, Commander Yang. Prem, get here, sir. Please come. Just give us a moment. Come on. Kahan masroof ho, bhai? Just as usual, trying to sell something. Well, this is Commander Kawas Nanavati, the next big thing in the Navy. Trust a commander for a nice tux. And this is his lovely wife, stolen from the British. Obviously, the Kohinoor is a very small price we've paid in exchange. And this is my most priceless possession, my sister Chino. Ignore him, it's Mimi. I must say, I love your dress. I love your watch. I want to steal it. Why steal it? You can just take it. Stealing is much more fun. And I can tell Commander wants to steal that car. Oh, how do you know? Your in-laws have Shakespeare, the Americans have Dodge. Welcome to the world of 8 miles to a gallon. At 2 tons, 20 feet long, 6 feet wide, and a massive solid engine. It actually sums up the philosophy of America, which is big is the best. And it will cost you $5,400. I'm impressed. The man knows his cars. We are Parsis. We love our cars. Except the money, of course. Indeed. Exactly. Now, this is why I love Parsis. And for the love of this car, I can give this to you at, say, $5,000.
5,000. No, Commander. I can see that you are calculating your savings and my love for the Parsis. You cannot be comparing money with feelings. I urge you to experience love at first ride. By the way, how do you know I was thinking about my savings? Commander, Prem sabke mind read kar leta hai. Aur isse pehle ye mera mind read kare. Let me admit, I need another drink. Even I need a drink. Hey, please come. Come on, let's get please. You to the bar. Please, please. Just come back. Thank you. Now that you're all alone, let me be your knight in shining armor. But allow me to get a drink first. Vincent, thank you very much. Cheers. Prem Ahuja. Heard a lot of stories about you. You know what they say about stories? The hunted is always the hero till the lion learns to write. And amongst those stories, there's a fact that I can read minds. And right now, while I read your mind, I can't stop turning the pages. What do you read? One, that I like your mind a lot. And two, that we are very different people, yet we have something very similar. And what would that be? Loneliness. I'm sorry, Sylvia. I guess I was a little tense today. It's okay, darling. I so wish that Navy men were allowed to take their wives along on their ships. I wish too. Sylvia, I forgot to tell you one thing. The Navy wants to buy some new ships. And every ship comes with extended training program. And this time it's 7 months on the sea. But I promise you, I will call you whenever we dock. What else do you do when you dock? I mean, do you meet other women? Do you feel the need to meet other men when I'm away? Come on. I'm not happy anymore. I hate everything. I know I have all the comfort in the world. I have three wonderful children, but I don't have you. You are my best friend, my love, my husband, and I don't have you. I have a job. No, you're doing everything for us. Nothing grows out of comfort, Kawas. I am so lonely here. I'm sorry, Sylvia. No, Kawas, you don't understand. Where is that man who once brought an English woman to India? What happened to that wild, crazy, passionate love he used to give me? It's very difficult to concentrate when you look this pretty. Look at you. You don't even listen to me. It's very difficult. You don't even listen to me. You don't understand what I'm trying to tell you. So, Sylvia, can I ask you a direct question? Yes. Is it worth being bored with a good man? I'm comfortable, Prem. I have a good husband and a good love. You know what they say is the price of comfort? Lack of excitement. Comfortable is a good thing. Indeed, comfort is a good thing. But nothing grows in comfort.
special presentation for a special lady. You know so many different things, don't you? That is true. I feel so alive when I'm with you. Bye, Mom. Him. Good morning. I've been asked to deliver these to a gorgeous lady called Slyvia. Are these gifts for me? Actually not. They're for your beautiful children. The white ones are for Feroz, the green ones are for Jimmy, and the pink ones are for Tanny. Why? Your children are an important part of you. And you are an important part of me. Shall we go for a drive, or are you going to refuse me because I didn't get you a gift? Hello, ladies. Oh, God. Hi, Prem. Why are you late? I have no clue. Okay, come on. Hello, Sylvia. Hello, Mrs. Kapadia. How are you? Fine, thank you. How are the kids? They are great. I hope they like the gifts. The gifts? What gifts? Mrs. Patel ne bataya mujhe. Sylvia, tum acche se janti ho. Nothing stays a secret here. बीस की सारी बातें आखिर निकल ही जाती है बाहर. You're not the only one. I know Prem since 6 years. 6. And सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे नेवल वाइब्स भी से कई सालों से. You know what I mean, right? I really understand. Our husbands are away 6 months. Aadha saal. Needs hoti hai, wants hoti hai. And he's charming. You're a beautiful woman. Straight up his alley. And Mimi? Your best friend? She's his pimp. Navy is like a close-knitted family. Everybody knows everyone. And they talk about it. बात जब तक प्रेम के बेडरूम तक ही रहे ना तो कोई बात नहीं करेगा. डोंट मेक अ मिस्टेक ऑफ मेकिंग इट पब्लिक. मे बी ही इज जस्ट अ फ्रेंड. ये इंग्लैंड नहीं है सिल्विया, वॉच आउट. हेलो. Hi, Mimi. I can't. Throes has his exam tomorrow. चीनो जी, तेरी सिल्विया से कोई बात हुई क्या? नहीं, क्यों? कुछ नहीं. ऐसे क्या देख रही है? कुछ नहीं बोला ना. You can't be here, Prem. What do you want to say? What have you heard? I'm a Casanova. That I've been with many women. Well, let me tell you, that's true. And also let me tell you that you're not one of them. I'd be a fool to believe you. I feel like a fool right now, coming here and telling you the truth, and you not believing me. Please stop it. But I feel for you, I've never felt for anyone else. What you think? Kawas will be back tomorrow.
So that's a good thing. You should be happy, right? I'm really trying to. Then all of this will come to an end. You carry on with your life and meet all your friends. Probably some other lady will be taking this place and you'll be playing her favorite song. You won't even remember my name. October 1930 is your birthday. 23rd August is Feroz. 1st May is Danny and 14th August is Jimmy. Your favorite play is Mousetrap. Simpsons by the Strand, right up ahead, is your favorite restaurant. You hate turmeric, you hate yogurt, but you love hot chocolate. Sunsets make you sad, and you miss snow all the time. The red in your lipstick is your favorite color. You shampoo your hair thrice a week. The Great Pretender is your favorite song, and Johnny Cash is your favorite singer. And you hate, hate, hate waking up early in the morning. But I forgot your name. What is your name? Never go of all I had. You held me close and you said, baby, when midnight comes, I'll be the one that... So you don't have to see me anymore? Exactly. You know me so well. Actually, it's the day I tell your husband that I want you to be all mine. And that if I have your permission, I'd like to take care of your kids. I don't like it when you leave. And when the world hears our story, I don't want someone to say that this was Casanova and she was a bitch. No. I love you. And I want the world to know that. I don't care what the world thinks. I love you. You mean that? I will tell Kawas everything. ठीक है मैं भी साथ चलूंगा. My love, my husband is a naval officer. अच्छा तो क्या करेगा आपका naval officer? He has a gun and he will shoot you. तो सर सिलिया को पहले से पता था कि काबस प्रेम को मार सकता है. One can never know or predict a man's actions. Nor could one predict that Sylvia was going to say what she was going to say in court. But Pasa was going to flip. Because you don't want to mess with a wounded tigress.